हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं कि बोर्ड में 90% मार्क्स कैसे गेन करें। राइट, तो देखिएगा अपना आ रहा है मार्च से बोर्ड्स एग्जाम। राइट, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, एचएससी, सबके मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। हमें इसमें क्या करना है 90% मार्क्स गेन करने के लिए, आप देखिए जो भी टाइम बचे हैं उसमें आप प्लान बनाइए। प्लान क्या करना है, उसमें 5 सब्जेक्ट होंगे तो 5 को किस किस को मुझे कितना टाइम देना है आप पहले अपने से एनालाइज करिए। नहीं, किसी को फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट आ रही है, फिजिक्स पे ज्यादा टाइम दो, केमिस्ट्री पे ज्यादा इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम, यानी जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो उसमें 100% लाने की एफर्ट डाल दीजिए अपना। अब ये कैसे हो पाएगा, आप एक प्रीवियस पेपर उठाइए, प्रीवियस पेपर में देखिए कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। फिजिक्स जैसे उठा रहे हैं, फिजिक्स में सबसे पहले देखिए कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रिक पार्ट, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट से आ रहे हैं, मैग्नेट से आ रहे हैं या मॉडर्न फिजिक्स से आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक से अगर ज्यादा आ रहे तो किस टॉपिक से ज्यादा आ रहे आप उसको पहले पढ़िए। उसके डेरिवेशन, कैपेसिटर जो है, मान लीजिए कैपेसिटर, कैपेसिटर के डेरिवेशन में देखिए कौन सा डेरिवेशन ज्यादा पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर से। आप उस डेरिवेशन को देख देख करके दो बार तीन बार देख करके करिए, कोई बुराई नहीं। चौथी बार करिए तो एक बार बुक को अवॉइड करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं हो पा रहा, आधे हो जा रहा है, अटक जा रहे, देख लीजिए, हेल्प ले लीजिए, फिर करिए। पांचवी बार खुद से करिए, आप ऐसे ऐसे करते करते पांचवी बार में आप खुद से खुद लिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर देखिए डेरिवेशन कर करके कुछ भी डेरिवेट किया, अब उससे देखिए रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्वेश्चन पूछा जा रहा तो उससे रिलेटेड दो चार क्वेश्चन भी करिए। क्या होगा, फार्मूला लर्न करने का सबसे आसान तरीका मैक्सिमम न्यूमेरिकल करिए। आप देखिए एक प्रीवियस ईयर से हम लोग कलेक्टिविटी बनाए, कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है, तो डेरिवेशन को आप थोड़ा इंपॉर्टेंस देंगे। फार्मूला लर्न करने का तरीका क्या, चैप्टर उठा लीजिए, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते रहिए, नोटबुक साथ में रखिए, पढ़ते रहिए। जैसे कोई भी बात करें, हम लोग चार्ज की बात आए, चार्ज लिखा, चार्ज क्या होते हैं, क्यू इक्वल टू आई टी, आपने तुरंत नोट किया, ठीक है। फार्मूला इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे तुरंत कर लो, टाइम कम है, इस पे बात ज्यादा हम लोग करेंगे, क्यू इक्वल टू आई टी। फिर अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, फार्मूला आ गए तो 1/4πε0Q/r², ये तुरंत नोट कर लीजिए, क्या हो गया यूनिट कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये लिख लेंगे हम लोग। तो फार्मूले लर्न करने का तरीका, सब हर एक चैप्टर के फार्मूले सबसे पहले लर्न करिए, आप जितने भी फार्मूले हैं सब लर्न करिए, उससे रिलेटेड दो चार न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करिए। एक एक फार्मूले पे दो दो न्यूमेरिकल टारगेट बना लीजिए, मुझे 20 डेज में ये करना है। आप 2 घंटे फिजिक्स पे दे रहे हैं, अच्छी बात है, 2 दीजिए, 2 केमिस्ट्री पे दे दीजिए, 2 मैथ्स पे, आप 1-1 घंटा अगर इंग्लिश, देखिए लोग बोलते हैं इंग्लिश भी आसान है, हाँ बट आसान है इन कंपेयर टू फिजिक्स एंड मैथ, तो उस पे 1-1 घंटा टाइम दे दीजिए। 1-1 घंटा अगर हम लोग टाइम दे रहे हैं एक हिंदी और एक इंग्लिश पे, बाकी 6 घंटे, यानी डेली 8 घंटे ही पढ़िए। अभी 8 घंटे में अच्छा कर सकते हो, बट 8 घंटे कंसेंट्रेट रहिए आप, किसी से न बात न कुछ नहीं, अपने कमरे में बैठ के पढ़ते हैं। बात की जाती है ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में, थम जाते हैं बड़े बड़े तूफान जब आग लगी है जीने में। खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। राइट, तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए पहला काम आप क्या करेंगे, प्लान बनाइए, प्लान बनाइए, प्लान मुझे कैसे क्या करना, कैसे पढ़ना। दूसरी बार प्लान बना करके आप उस पर कंसेंट्रेशन करिए। राइट, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो हार्ड वर्क करेंगे, क्या लिखेंगे, हार्ड वर्क, और वो भी टेंशन लेकर के नहीं, विद प्लेजर, खुशी खुशी करिए यार, अच्छे मार्क्स लाओगे आप लोग। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में पहुंच गए, सेंटर में पहुंच गए, कि करना क्या है, आप पहली बार पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करिए, एनालिसिस करिए,
कौन सा सम आपको इजी लग रहा? आप इजी पे सपोज करिए एक स्टार, आप जैसे भी बनाए आप एक स्टार बना ले जो आपको इजी लगा कि मैं इसको कर सकता हूँ इजीली, पूरी को करिए, जो जो इजी लग रहा है मार्क करते चले। जो आपको इजी से थोड़ा हार्ड लग रहे हैं उस पर आप सपोज करिए सेकेंड मार्क दे दिया, डबल डबल मार्क करते हुए जा रहे हैं, उससे भी हार्ड है आप उसको ट्रिपल मार्क दे दीजिए। टाइम मैनेज करने का सबसे आसान तरीका जो इजी है फटाफट ये कर लीजिए टाइम बचा करके, फिर जो इससे हार्ड है उस पर थोड़ा इफर्ट डालिए, उस पर थोड़ा टाइम दीजिए, उस पर थोड़ा टाइम दे करके हम लोग बात करेंगे इस पे जो उससे हार्ड है, देन हार्ड अगर और हार्डर तो इस पे लास्ट में इस पे हम लोग बात करेंगे। तो आप ऐसा करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 90% गेन किया जा सकता है।